गाइस, मैं आज आ रहा हूँ अरुणाचल का तिराप डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बढ़िया सा सुंदर सा जगह घूमने के लिए आया था। तो मैं आप लोग को थोड़ा वीडियो दिखाऊंगा, बने रहिए दोस्तों। मधुमक्खी है तो ये पेड़ का ब्रांच में है, वो हम लोग निकालने के लिए आया हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए है, तो आइए। जंगल है इधर में, पूरा जंगल का रास्ता है, जंगल के अंदर में जाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा जंगल है, इसमें उसमें एक बड़ा पेड़ में है वो मधुमक्खी, लेकिन ये घर में पालने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा विष होता है, मतलब काटने से बहुत दर्द होता है। मैं दिखाऊंगा, इसमें पार्टी फील था एक्चुअली, अभी जंगल हो गया। तो ऊपर में रबर प्लांट भी है, तो इसमें सर के जाएंगे, गिरेगा तो नहीं ना। आओ, जाम लगाना पड़ेगा, नहीं जाम तो नहीं लगा पाएंगे। ओ, बहुत जंगल है, इसको धुआं देना पड़ेगा। धुआं देने से शायद चला जाएगा, देखता हूँ कैसे उन लोग आता है। लेकिन ड्रेस भी नहीं है, मधुमक्खी निकालने के लिए जो ड्रेस होता है वो ड्रेस भी नहीं है। बिना ड्रेस से दो आदमी आए हैं, देखिए ये दोनों अभी पड़ेगा ऊपर से। क्या ड्रेस है? ये ड्रेस का नाम है खाली रेनकोट है, और ये मच्छरदानी है, और एक था बास्केट। ये बास्केट खुद से बनाया है इन लोग, और फिर ये पूरा लाइफ का पूरा रिक्स लेके पैर में सरेंगे। ये देखिए, ये जलाने के लिए लेके आया, इसमें स्मोक निकालने के हम लोग, स्मोक देखे बहुत ऊपर में है वो, देखिए वो देखिए ऊपर में है। देखिए पेड़ कितना लंबा है, कितना ऊंचा पेड़ है, देखिए जाएगा 50-70 हो जाएगा। तो मधुमक्खी को भी निकालने के लिए इन लोग अभी इंतजाम कर रहा है, इसमें नीचे में स्मोक डालेंगे। स्मोक देने के बाद में इसको काट देंगे बाद गिर जाएगा। देखिए मैं और एक बार दिखा रहा हूँ कितना बड़ा है वो। ये टोको पत्ता है, टोको पत्ता से इन लोग अभी घर में आग डालेंगे और धुआं पटक जाएंगे, धुआं जाएंगे पटक। इसमें सूखा हुआ लकड़ी भी लेके आया। देश लगा रहा है अभी, और ये टंगाल से बांध रहा है। ये भी बेम्बू से बनाया हुआ ये धागा है, और ये 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 अभी हम चलेंगे। हनी एक्सपर्ट है, हाँ हनी एक्सपर्ट है ये। आप लोग को मैं नंबर दे देंगे उनका, आप लोग इनको बुला सकते हैं। तो ऑलरेडी इसमें सूखा हुआ पत्ते में आग डाल दिया है, अभी धुआं निकल रहा है, तो धुआं देना पड़ेगा जब ये पेड़ गिर जाएगा। तो इन लोग तो बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों, लेकिन हनी से अभी रस निकलेगा कि नहीं मालूम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये पेड़ गिरने के बाद ये सब लोग भाग आया, भागने के बाद थोड़ी देर बाद जाके देखा कि नहीं उसमें कुछ नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ये टाइम पार हो गया था, थोड़ा दिन पहले जाना चाहिए था। ये मधुमक्खी क्या वो, ये पूरा टीम है गया था, लेकिन थोड़ा देर हो गया, ऑलरेडी चला गया। वो देखिए अभी आया है बेचारा। तो फिलहाल हम लोग आज जा रहा हूँ, एक हैंगिंग ब्रिज है उधर में, रास्ता देखिए कितना मतलब डरावना रास्ता है। जाएंगे वहाँ पर, एक हैंगिंग ब्रिज है, बहुत बढ़िया सा ब्रिज है, बहुत ही स्लोपी एरिया है दोस्तों, बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है। तो ऊपर से अगर यहाँ पर बारिश होता है तो बहुत स्लिप हो जाता है रास्ता में, तो हम लोग बहुत ही केयरफुली आ रहा हूँ। तो नीचे में एक नदी गया है, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया मछली भी है, मैं दिखाऊंगा आगे जाके। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, ऐसा सीनरी है। देखिए दोस्तों अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो वहाँ पर सूरज ढला हुआ है, और आगे में एक नदी है, दिखाऊंगा दोस्तों में। वाह, आते रहिए मेरे साथ। एक पहाड़ मिला है ऊपर में, देखिए एक पहाड़ है, तो वहाँ पर एक बस्ती रहता है, सुतावाला बस्ती है, सुतावाला मतलब यहाँ का गाँव है। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी कभी आता है, जैसे एलिफेंट वगैरह, हाथी वगैरह आता है यहाँ पर। तो ये देखिए हम लोग अभी पहुँचने वाला हूँ, ये देखिए हम लोग हैंगिंग ब्रिज पहुँच गया, लेकिन बहुत ही पुराना है दोस्तों, बहुत साल हो गया ये। तो यहाँ का राजा लोगों के इसको बना के गया था, यहाँ का इन लोग का जो ट्राइब है, तो अलग अलग ट्राइब का अलग अलग राजा था पहले। तो ये देखिए मैं भी अच्छे से दिखाऊँगा, पहुँच गया हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टेप है दोस्तों, ये बहुत पुराना है, हम लोग अभी सड़ेंगे, और अभी हम सड़ेंगे
बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा क्योंकि स्टेप जो है बहुत पुराना हो चुका है। वो ये देखिए रोप है, आपको इसको देखने से मालूम पड़ेगा कितना साल पुराना हो गया ये। तो नदी का उस पार में एक बस्ती है, कितना बढ़िया लग रहा है, पीछे में पूरा दिखाऊंगा। हम लोग जाएंगे अभी, बहुत हिल है, आस्ते आस्ते जाना पड़ेगा, बहुत ही आस्ते आस्ते जाना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही हिल है दोस्तों, मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए नदी है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, सिरापुंजी से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होता है। ये दोस्तों आपका अरुणाचल का थिराप डिस्ट्रिक्ट है ये, तो इस जगह का नाम है पानीदुरिया। तो ये कल रात को बहुत बड़ा बारिश हो गया था, तो इसलिए देखिए यहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण मतलब पानी अभी ज़्यादा हो गया है, तो मछली भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वो देखिए वो मेरे साथ आए हुए थे, वो थोड़ा साफ़ किया है, तो नदी का उस पर में हम जाने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब मैं इस पर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, ये देखिए अभी इस पर मैं हम जाने के लिए कोशिश करूँगा। तो मैं इतना दूर आया ये देखिए, ये देखिए आगे मैं जाऊँगा अभी। ये बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हिल रहा है दोस्तों, बहुत केयरफुली से आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे में आगे चल के एक बस्ती मिलता है, ये देखिए उस तरफ एक रास्ता है, तो ऊपर से देखिए इसका पूरा व्यू देखिए। हम लोग उस पार से आया है, वो देखिए उस पार से हम लोग अभी इस पार में आया। तो हम लोग ये आगे का गांव में जाके आएंगे अभी, तो हम लोग अभी बीच देख के आया, देखता हूँ आगे में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से जाने के टाइम में बहुत ही जंगली जो साग सब्जियाँ है वो सब हम लोग काले करके लेके जाएंगे। तो ये घास है, बहुत बढ़िया घास है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खेत नहीं किया है, अपने आप आया है। तो ये घास जो है गाय को खिलाने से बहुत दूध देते हैं, तो यूपी बिहार में इस घास को केजी सिस्टम में इसमें वहाँ पर ये सेल होता है दोस्तों। ये देखिए फिलहाल हम लोग मेन रोड निकाल गया हूँ अभी, ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है दोस्तों। फाइनली मेन रोड में पहुंच गया हूँ, हम लोग उस ओर से आया हूँ, पहले थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ, थोड़ा भागा लगा, अभी बैठा हूँ यहाँ पर। तो ये रास्ता जो दोस्तों जा रहा है ये 12 माइल तक पहुँच सकता है, मतलब 12 माइल जाने के बाद आप तीन सौ क्या खून सा का गाड़ी वगैरह। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं एक खूबसूरत सा प्राकृतिक दृश्य लेकर।